नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश हल्ला बोल में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भरतपुर में बीजेपी के सांसद रंजीता कोली पर एक बार फिर से खनन माफियाओं ने घातक हमला किया है। इस हमले में सांसद बाल बाल बच गई हैं। हमलावरों ने उनकी कार के अंदर तोड़फोड़ की है। सूचना पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सांसद कोली पर यह चौथी बार ऐसा है जब हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार सांसद कोली दिल्ली से लौट रही थी और इस दौरान कामा में बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक निकल रहे थे। सांसद कोली ने उनको रुकवाया और इसके बाद गुस्साए खनन माफिया बेलगाम हो गए और उन्होंने रंजीता कोली पर हमला कर दिया। अब खनन माफियाओं ने सांसद की गाड़ी पर पथराव किया। इसके बाद सांसद ने कार से उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ खेत में भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन माफिया उनका पीछा करते हुए नजर आए। ग्रामीणों के आने पर माफिया सांसद की गाड़ी को टक्कर मारकर ट्रक को लेकर के फरार हो गए। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब देश के सदन में बैठने वाले ये नेता और इन माफियाओं से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता आखिर इनसे अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। तो आज खनन माफियाओं के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। हमारा फोन नंबर अब आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, तो आप भी नंबरों के माध्यम से जुड़ें और खनन माफिया के ऊपर कैसे लगाम लगाई जा सकती है इसको लेकर के आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप समझिए कि जब सांसद सुरक्षित ना हो और सांसद के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा हो, खनन माफिया पीछा करके खेतों में जाकर के अपनी जान बचानी पड़ रही हो, सांसद को उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम लोगों के बारे में एक खनन माफिया किस तरह के सोचते होंगे और क्यों खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आप इस पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अब हमारे साथ एक दर्शक रवि जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, मेरी मेन प्रॉब्लम तो एक स्कूल को लेकर है सर। एक विद्यालय है हमारे गांव में, तो उसमें सर 2 साल पहले वो क्रमांतर हुआ था सर सीनियर में। चलिए रवि जी, आज का हमारा जो मुद्दा है वो खनन को लेकर के है। हम आपके इस विषय पर जरूर हल्ला बोल रखेंगे और तब आप उस दिन हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दर्शकों से अनुरोध ये है कि आज आप खनन माफियाओं को लेकर के आप हल्ला बोलें आज, और खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो क्यों बुलंद हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर आप अपनी राय आज हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को हम लगातार उठाते हैं। इसलिए कोई और मुद्दा किसी और दिन जब हम उठाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ करके उस पर भी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आज हल्ला बोलिए क्योंकि खनन माफियाओं के हौसले आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ आप राजस्थान, अगर अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भी देखेंगे तो इसी तरह की कई घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें, हरियाणा में भी देखिए। अभी एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को किस तरह से खनन माफियाओं ने निशाना बनाया था, तो अधिकारियों के साथ साथ अब आप देखिए कि आपके चुने हुए जो माननीय प्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। सांसद के ऊपर अगर इस तरह से हमला हो रहा हो, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा हो, उनको भाग करके अपनी जान बचानी पड़ रही हो, तो सवाल यह है कि यह खनन माफिया आखिर बेलगाम क्यों है और इस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है, इस पर अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। डॉक्टर पवन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, मैं कहना चाहूंगा जो खबर अभी दिखाई जा रही है न्यूज पे कि सांसद पे हमला हुआ है, सर ये बहुत ही निंदनीय सर एक कृत्य है सर, ऐसा किसी भी सर एक सभ्य समाज के अंदर किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। और सर खनन जो सर खनन माफिया है सर, उनको रोकने के लिए कई चीजें जैसे सरकार कर सकती है, जैसे सर खनन क्षेत्रों की एक निगरानी के लिए सर एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया जाना चाहिए सर, या फिर सर एक कोई अपने पोर्टल शिकायत नंबर हो जो आस पड़ोस में कहीं भी अगर खनन का अपने को संबंधी ऐसी कुछ कार्रवाई दिखे तो अपन उसको फोन करके लोगों को पुलिस को अवगत करा सके सर। और सर ड्रोन एक सर इस चीज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है सर। जी सर, ड्रोन से एक काफी एरिया सर विस्तृत एरिया एक काफी मतलब देखा जा सकता है, तो वो सर एक बहुत बड़ा एक रोल निभा सकता है सर। मानसून के दौरान भी सर किसी भी नदी के किनारे सर खनन की अनुमति नहीं होनी चाहिए सर, इससे भी लोगों में सर दिक्कत आती है और सर जान माल का खतरा रहता है सर। और सर पुलिस को बिल्कुल सर ऐसे लोगों से मतलब बहुत ही सर हार्डली पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर सर सांसद जैसे पे अगर हमला हो रहा है तो सर फिर नॉर्मल जो लोग हैं सर वो बहुत सही नहीं रह सकते सर। जी जी, चलिए डॉक्टर पवन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को साझा करने के लिए। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, डॉक्टर पवन की तरफ से बात कही गई। हालांकि इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता जरूर है, लेकिन आप समझिए कि जब हौसले बुलंद हों और
इलीगल काम करने के लिए इनके अंदर किसी भी तरह का प्रशासन को लेकर कोई खौफ ना हो, तो फिर कैसे इनको रोका जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निशाना बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से तमाम पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो कि इन खनन माफियाओं का शिकार हो चुके हैं। इसमें कई पुलिस अधिकारी ऐसे रहे जिनको अपनी जान तक गंवानी पड़ गई है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके हौसले किस कदर बुलंद हैं। इसलिए इन पर अंकुश लगाने के लिए क्रमबद्ध कार्रवाई की बहुत जरूरत है, और सिलसिलेवार जब ये कार्रवाई होगी और इनको किसी भी तरह का कोई संरक्षण नहीं होगा, तभी इन खनन माफियाओं पर रोक लग सकती है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, या आपको क्या लगता है कि सरकार को या प्रशासन को कैसे इसको रोकना चाहिए, या कहीं कोई कमी अगर आपको नजर आती है कि खनन माफियाओं के हौसले इस वजह से बुलंद आपको लगता है कि ज्यादा है, तो आप वो भी हमको बता सकते हैं। या आपके आसपास अगर आपको पास कोई इस तरह की जानकारी है, या आपके इलाके में इसी तरह से कहीं कोई अवैध खनन हो रहा है जिस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है प्रशासन, तो आप उसको भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब एक दर्शक हमारे साथ लड्डू गोपाल जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लड्डू गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, हम दोबारा से अपने दर्शकों से कहेंगे कि जो मुद्दा हमारा आज का है उसको बहुत ध्यान से समझे, चूंकि माफिया, खनन माफिया किस तरह से बेलगाम हो रहे हैं, ये न सिर्फ आपके लिए खतरा है बल्कि शासन और प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका जो सीधा असर है आप देख रहे हैं हमारे पूरे एनवायरनमेंट पर होता है, प्रकृति के साथ एक तरीके की छेड़छाड़ है। नतीजा यह है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं इन खनन माफियाओं के चलते होती हैं, और ऊपर से जिस तरह से लीगल तरीके से ये लोग माइनिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाली है, वो आपको और हमको सबके लिए एक तरीके का जो नुकसान है वो देती है। इसलिए ऐसे मुद्दे को लेकर के आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। रेखा जी, क्या कहना चाहती हैं, बात रखें अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब सांसद जैसे लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो एक आम जनता की मतलब क्या कोई वो है, क्या प्रिकॉशन नहीं है कुछ भी, जब सांसद जैसे लोगों के साथ ऐसा ऐसी घटना हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इलीगल माइनिंग के लिए जो भी कानून है, इलीगल माइनिंग ही नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो उसको इस लेवल तक आनी नहीं चाहिए घटना की, किसी मतलब वहाँ पे उनको जाना पड़े। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आप ऑफिस में बैठ के इनकी निगरानी रख सकते हैं, और अगर पुलिस वगैरह को आप पाबंद करिए वहाँ पर कि ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो कानून व्यवस्था को आप मजबूत बना के रखिए, और कई सारे कानून बनाए भी हैं सरकारों ने जी, उनकी अच्छे ढंग से पालना हो। इलीगल अगर कुछ हो रहा है पहले से, ऐसा तो है नहीं अचानक से ये चीजें हो गई है, ये बहुत टाइम से चली आ रही होती है, तो इनपे टाइम पे ही इनपे वो लगा देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इनपे, ताकि इतना बड़ा किसी की हिम्मत ही नहीं हो। चलिए रेखा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रवि कुमार भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। नमस्ते जी। सबसे प्रथम तो यह है कि जो खनन हो रहा है सर, उससे प्राकृतिक सौंदर्य कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से धीरे धीरे नष्ट होता नजर आएगा सर। अगर उसको रोकने के लिए जिस प्रकार से अपन की खनन विभाग टास्क फोर्स और खनन विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ये गाँवों में देखने को मिल रहा है सर, इसकी पालना नहीं हो पा रही सर कानून की ठीक तरह से। इसमें गांव के लोग कुछ हेल्प कर पाते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं सर, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं सर, इसमें गांवों में देखने को मिल रहा है लगातार। तो इसके बारे में सर कुछ आगे जानकारी रखें सर, आगे अपने विचार जी। चलिए रवि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सबका सामूहिक इसमें सहयोग जरूरी है, लेकिन प्रशासन अगर अलर्ट हो जाए या प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दे तो खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चूंकि संरक्षण तो प्राप्त होता है चाहे किसी भी स्तर पर हो, और बिना संरक्षण के आप देखिए इस तरह से अपराधियों के हौसले का बुलंद होना यह संभव ही नहीं है, और इसलिए ऐसे मुद्दे को लेकर के आप हल्ला जरूर बोलें। पवन पारिक हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। पवन पारिक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी। जी पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ सर कि खनन माफिया हो चाहे भू माफिया हो, इनकी जड़ें गहरी होती हैं। गहरी से मेरा मतलब है कि ये रसूखदार जो राजनेता होते हैं उनके बिना इशारे के कभी भी रिस्की काम नहीं कर सकते। इतनी कोई ताकत नहीं है किसी भी गुंडे की, उनका रसूखदारों का इसमें बाकायदा हिस्सा होता है, वो सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं होती है। बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को साझा करने के लिए। देखिए पवन जी ने भी वही बात कही
कि बिना देखे किसी संरक्षण के ये संभव नहीं है कि इस तरह से जो हौसले हैं वो खनन माफियाओं के बुलंद हों, लेकिन उन सबको तोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है, जिनके संरक्षण में ये हो रहा है, सिर्फ उनको ट्रेस करना है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। और ऐसे में अपने आप जो अवैध माइनिंग लोग करते हैं या जो अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे राजस्व का भी नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है, और सरकार का नुकसान मतलब आपका नुकसान है। और इसलिए इसको लेकर के संजीदगी होनी चाहिए, इसको लेकर के एक पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए, और तभी इस पर जो अंकुश है वो लगाया जा सकता है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, खनन माफियाओं पर रोक कैसे लगाई जाए इसको लेकर के आप अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं। अब प्रवीण जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बजरी माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़ी बड़ी दावे तो करते हैं, लेकिन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में देखो या पाली जिले में आज खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस की और खनन विभाग की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। आए दिन घटना भी देखने को मिलती है, रात को तेज गति से बजरी माफिया ट्रैक्टर चलाते हैं, इससे कई घटना भी हो चुकी है। लेकिन स्थानीय विभाग, प्रशासन, खनन माफिया इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, सिर्फ इनको पैसों की पड़ी रहती है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हमारे साथ जुड़ करके साझा करने के लिए। तो प्रवीण जी जो कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी ये कहना है और उन्होंने बताया कि कैसे उनके जिले के अंदर भी ये जो खनन माफिया है वो बेलगाम है। रात में जो खनन का परिवहन होता है, जो अवैध खनन बजरी का किया जाता है, उसमें जो लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हैं या जो डंपर हैं वो इतनी तेज रफ्तार में चलते हैं कि उसकी वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं, और इनके अंदर प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन की मिली भगत है, ये बात भी प्रवीण जी कह रहे थे। तो आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें, आपको क्या लगता है कि आखिर ये खनन माफियाओं के हौसले क्यों बुलंद हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है, इस पर अंकुश लगाने का तरीका क्या हो सकता है, और सांसद अगर आप समझिए कि खुद आपका क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है, सांसद अगर सुरक्षित नहीं है, या सांसद को अगर ये खनन माफिया दौड़ा करके पीछा करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आम आदमी के बिसात इनके आगे क्या है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आपको हल्ला बोलना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ये जो तमाम बातें हैं या आपकी जो राय है उससे इन खनन माफियाओं के हौसलों को भी पस्त किया जा सके, और दूसरा यह है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित हो सके। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नारायण दास जी, उनका रुख कर लेते हैं। नारायण दास जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। साहब धन्यवाद है आपसे बात होने के लिए। जी तो अवैध खनन करते हैं, न्यूज सब तो ये प्रशासक को कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकाल के इनको पट्टे दे या लीज दे, ऐसा कुछ करना चाहिए साहब। अगर अवैध खनन ये डंपर वाले सब रो कैसे भरेंगे किससे साहब। ठीक है नारायण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ तो प्रशासक को कुछ करना चाहिए ना साहब। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए तो हम लोग ने आज इस मुद्दे को रखा है कि प्रशासन बीच का रास्ता सरकार निकाल बिल्कुल रास्ता निकालना चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार को निकालना चाहिए ना साहब कि इनको रास्ता की हमारे के राजस्व आय भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। अगर ये खनन पे बिल्कुल हो जाएगा तो साहब चोरी और ये गुंडागिर्दी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नारायण लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़े हमारे साथ, अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ विजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर मैं बोल रहा था जैसे कि अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का तो हाल बुरा ही होना। इसमें प्रशासन और जो भी पुलिस कर्मचारी वगैरह इनकी मिली भगत के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ये जी खनन माफिया का तो इसमें खनन माफिया जो भी अगर सहयोग मिल रहा है तो पुलिस और प्रशासन इनकी तरफ से ही मिल रहा है। अगर ये सहयोग नहीं करते हैं तो कोई हो नहीं सकता, एकदम तो ये खड़े होते नहीं है। जी ना तो खनन माफिया खड़ा होता और ना ये गुंडागर्दी होती है। बजरी वाले जो बजरी का खनन माफिया होता है ये सब अवैध तरीके से पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ही होता है। इनका अगर सहयोग नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस चाहती या सरकार चाहती तो क्या नहीं कर सकती है। जी तो इसमें सबकी मिलीभगत है, तो मिलीभगत और नहीं करते हुए जनता का ध्यान रखते हुए तो सांसद को, अगर ये सांसद की कंडीशन ये है तो आम पब्लिक की तो होनी बहुत ही खराब है, टफ है। जी मैं सरकार से ही कहूंगा कि मिलीभगत और भ्रष्टाचार खत्म करके आम जनता को सहायता प्रदान करे,
और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। चलिए बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस बात को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी विजय जी की तरह हमारे साथ जुड़े और अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं, क्योंकि सांसद के ऊपर अगर ये खनन माफिया हमला कर सकते हैं तो आप समझिए कि आम लोगों के बारे में आप ये किस तरह से सोचते होंगे और आप कितने सुरक्षित हैं। और जिस तरह से ये हमला किया गया है वो इस बात को भी दिखा रहा है कि इन खनन माफियाओं में कम से कम प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। इस तरह की तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन जिस तरह से सांसद को निशाना बनाया गया या सांसद की गाड़ी में जैसे तोड़फोड़ की गई या सांसद को दौड़ा करके पीछा करके नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई, ये इस बात को दिखा रहा है कि कितने बेखौफ हो चुके हैं ये जो खनन माफिया हैं। और इसलिए ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करें, हल्ला बोल सकते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उबैद अली हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उबैद अली जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी मैं आपको बता दूं, जनपद में आजकल जो है खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें जनपद कासगंज का मामला ज्यादातर प्रकाश में रहता है। जो खनन माफिया है एक दबंग तौर के रहते हैं और वो आए दिन लोगों पर हमला भी करते हैं। ये जो पूरा मामला है वो पूरा मामला जनपद कासगंज के याकूतगंज ग्राम का है, यहाँ पुलिस भी मून बनी हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया उमैद अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को साझा करने के लिए। तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और पुलिस जिसमें मुखदर्शक बनी रही, ये बात उमैद अली जी की तरफ से कही गई। और जाहिर बात है कि जिस तरह की यह घटना है उसको लेकर के प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान है कि सांसद को अगर इस तरह से दौड़ा करके खनन माफिया नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सांसद को खेतों में भाग करके अपनी जान बचानी पड़ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। और ये बिना संरक्षण के संभव नहीं है, इसलिए ये जो पूरा नेक्सस है वह तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आप अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। और अगर आपके आसपास भी आपके भी इलाके में इसी तरह से कहीं अवैध खनन हो रहा है या वहां पर खनन माफियाओं का ऐसा ही कोई आतंक है या इस तरह की कोई घटना जो आपको लगता है कि आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जरूर बताएं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और साझा करें आप भी इस तरह की घटनाओं को लेकर के आपके जो विचार हैं उनको। क्या आपको लगता है कि ये जो खनन माफिया है इनको कैसे इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है या इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? दूसरा ये है कि आखिर इनके अंदर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? और क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा जो संरक्षण है उस वजह से हो रहा है? तो आप इन सारे विषयों को लेकर के अल्लाह बोल सकते हैं, नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं।